हाईकमांड की निष्पत्ति थी, बट उस निष्पत्ति के ऊपर मेरा दिल का ये भारी पड़ा और ये ज़्यादा बोला कि आपको मिट्टी के लिए कुछ करना है, ये सोच के मैंने द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया। कांग्रेस का विधायक हूँ, लेकिन जब बात आई मिट्टी का कि एक उड़िया हिसाब से उड़ीसा से पहले बार एक महिला फिर आदिवासी भारत के संविधान के सर्वोच्च पदक के लिए इलेक्शन लड़ रही है, तो मैंने सोचा इस मिट्टी के लिए मेरा भी कुछ कर्तव्य है, तो इसलिए स्वाधीन मन से ये चिंता करके हमने निष्पत्ति लिया, सोचा कि व्यक्तिगत भाव से व्यक्तिगत रूप से मेरी वोट द्रौपदी मुर्मू को जाना चाहिए, तो इसलिए मैं द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया। हाईकमांड की निष्पत्ति थी, बट उस निष्पत्ति के ऊपर मेरा दिल का ये भारी पड़ा और ये ज़्यादा बोला कि आपको मिट्टी के लिए कुछ करना है, ये सोच के मैंने द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया। नरसिंह मिश्रा जी, हाँ नरसिंह मिश्रा जी बोले हैं, अब उनको तो मालूम नहीं है, देखे हैं, मैं तो स्वीकार करता हूँ कि मैंने द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया हूँ और सोचता हूँ ये ठीक निष्पत्ति है हमारी मिट्टी के लिए, हमारी एक यहाँ से महिला सर्वोच्च पद में बैठेंगे, तो उनके जितने में भी हमारा कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। देखिए पार्टी 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 के लेवल में बात नहीं है, बात थी उड़ीसा की मिट्टी की, तो इसलिए मैं ये निष्पत्ति खुद लिया हूँ अपने दिल से पूछ कर। दिल ने मुझे बोला कि इस काम में साथ देना चाहिए, तो मैं दिया हूँ। वो पार्टी के फोरम में बात करेंगे हम, ये तो इसमें कोई हुईप तो नहीं था, तो हर विधायक को हर सांसद को अपने सोच के समझ के काम करना चाहिए और ये मैं अपने सोच के किया हूँ, पार्टी के फोरम में पार्टी का बात करूँगा। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के समय क्या रहेगा? वाइस प्रेसिडेंट का वोट तो हम विधायक लोग का नहीं है, वो तो सांसद वाले देंगे, तो ये निष्पत्ति मेरा व्यक्तिगत निष्पत्ति है। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या रहेगा? कांग्रेस पार्टी का स्टैंड कांग्रेस पार्टी के साथ रहेगा, जो निष्पत्ति नहीं है यूपीए के सब बैठ के वाइस प्रेसिडेंट के लिए मार्गरेट आलवा के लिए वो निष्पत्ति वहाँ कायम रहेगा।